हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में मैं आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना सिखाऊंगा जब हमको मीन गिवन है, एक्स बार जब हमको गिवन है। तो आज हम दो मेथड से इसको करेंगे, एक तो हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से और एक करेंगे हम स्टेप डिवीजन मेथड से। डायरेक्ट मेथड जो यूज होगा वो 10th और 11th क्लास में यूज होगा, और जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बात करें, ये वीडियो मैंने कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, तो कॉलेज स्टूडेंट्स यानी जो बीकॉम कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमसीए जो कर रहे हैं, उनके लिए जो मेथड लगेगा एक्स बार को मतलब मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, वो फॉर्मल लगेगा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू उसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं आपको 10th और 11th के लिए सिखाया था, फिर इसके बाद हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी व्हेन एक्स बार इज 52। यानी हमको एक्स बार दे रखा है, यानी मीन हमको दे रखा है 52, ठीक है, और हमको ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये हमको डिटरमाइन करनी है। तो डायरेक्ट मेथड हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि जब 10th और 11th में जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू सॉल्व कराएगा आपसे। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स ऑब्लिक सिग्मा एफ। ये जो एक्स है, ये एक्स जो है वो मिड वैल्यू जो हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे वही एक्स कहलाएगा। तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाय टू। तो एल वन देखिए हमारे पास 10 है और एल टू है हमारे पास 20, दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो मिड वैल्यू हमारे पास, यानी मिड वैल्यू हमारे पास जो आ जाएगी वो क्या कहलाएगी हमारी, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75। यही एम जो है ये हमारा एक्स कहलाएगा, चाहे तो उसको हम एक्स भी लिख सकते हैं। अब हमको क्या रिक्वायर्ड है, हमको एफ एक्स रिक्वायर्ड है, यानी अगर हम f को x से मल्टीप्लाई कर लें तो एफ एक्स इक्वल्स टू 15 फाइव जा 75, 25 23 जा 25 3 जा 75। ये जो x है वो मिड वैल्यू है, ध्यान रखिएगा, इसको हमने अभी मिड वैल्यू को किससे डिनोट करा है, x से डिनोट करा है। 35 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 मल्टीप्लाइड बाय 4 तो ये आएगा आपका 140। 45 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 45x। यही तो हमारी मिसिंग वैल्यू है, इसी को तो हमको डिटरमाइन करना है, तो उसको हमने x अज्यूम करा, तो 45 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 45। 55 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। 65 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 390। और जब 75 को आप जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 975। अब हमको क्या रिक्वायर्ड है, देखिए सिग्मा एफ एक्स रिक्वायर्ड है, तो यहाँ हम सिग्मा एफ एक्स की कैलकुलेशन करेंगे, यानी अगर हम सबको टोटल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या है हमारे पास, 75 प्लस 75 140, ये ओड नंबर है इसलिए इसको ऐड नहीं करेंगे, इसको अलग से ऐड करेंगे हम, प्लस 110, 390 प्लस 975, तो ये हमारा आया 1765, और ये हमारे पास ओड नंबर है तो उसको हम प्लस 45x करेंगे, तो ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आ गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको सिग्मा एफ का टोटल भी चाहिए, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, तो सिग्मा एफ का टोटल भी चाहिए, तो 5 और 3 8 12 14 20 एंड 33 प्लस एक्स, ये आया हमारा 33 प्लस, यहाँ भी आउट नंबर है तो उसको अलग से प्लस करेंगे। अब हमारे पास सब सारे फिगर्स हमारे पास आ चुके हैं, हमको सारी कैलकुलेशन हमारे पास आ चुकी है, अब हमको उसको क्या करना है, फॉर्मूले में पुट करना। तो फॉर्मूला ये रहा हमारे पास, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स ऑब्लिक सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स ये रहा, सिग्मा एफ हमारे पास ये रहा, ठीक है, और एक्स बार हमको 52 गिवन है, तो उसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, 52 इक्वल टू 1765 प्लस 45x डिवाइडेड बाय 33 प्लस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां नीचे 1 है और तो ये पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा हमारा 1765
प्लस 45x इक्वल्स टू, अब ये 52 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 52 33 से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस x से भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब हम 52 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1716, और 52 x से भी मल्टीप्लाई होगा प्लस 52x। अब एक जैसे फिगर्स एक जगह ले जाइए, तो देखिए 1765 ये प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा 1716 इक्वल्स टू 52x, तो उधर है एज इट इज। अब ये 45 उधर जाएगा, तो ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का होगा 45x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7x और ये रिमेनिंग रहेगा 49। तो x इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 7 इक्वल्स टू x। यानी ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 7 आई। तो ये तो हमने इसको सॉल्व करा डायरेक्ट मेथड के लिए, जो कौन सी क्लास के लिए था, 10th और 11th क्लास के लिए। अब इसी क्वेश्चन को हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करेंगे, यानी कॉलेज स्टूडेंट कौन से, जो बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमए, एमसीए, ये जो कर रहे हैं, बीबीए जो कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे मीन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, वो स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे। तो स्टेप डेविएशन मेथड से हम अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में स्टेप डेविएशन मेथड पूरा समझाया हुआ, एक बार आप उसको देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला होता है, यानी एक्स बार का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश ऑब्लिक सिग्मा एफ इंटू आई। डी एक्स डैश जो निकलता है एक्स माइनस ए, यहाँ पर एक्स जो है वो मिड वैल्यू होगी, ध्यान रखिएगा एक्स जो होगी यहाँ पर वो मिड वैल्यू होगी। डी एक्स डैश आपका निकलेगा डी एक्स ऑब्लिक सी, सी इक्वल टू क्लास इंटरवल और आई इक्वल टू भी क्लास इंटरवल होता है, और ए इक्वल टू यहाँ पर है अज्यूम मीन। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। मिड वैल्यू का फॉर्मूला एल वन प्लस एल टू डिवाइडेड बाय टू, तो 10 प्लस 20 ऐड करेंगे 30, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75, ये हमारे पास मिड वैल्यू आ गई। अब हम dx की कैलकुलेशन करेंगे, तो dx का फॉर्मूला x माइनस ए, ये x जो है वो हमारा मिड वैल्यू वाली वैल्यूज आएंगे, मतलब ये मिड वैल्यू ही हमारी x है। अब हमको अज्यूम मीन लेना है, तो अज्यूम मीन के लिए मैंने बताया कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नंबर देखते हैं, उस हाईएस्ट नंबर का हाफ कर लेते हैं। तो यहाँ 75 का हाफ करिए आप, 37.5 आएगा, 37.5 देखते हैं है क्या इसमें, नहीं है, होता तो ले लेते हैं, नहीं है तो उसका क्या देखेंगे आप, नियरेस्ट नंबर देखेंगे। तो 37.5 का नियरेस्ट नंबर 35 है। अब x ये मिड वैल्यू ही हमारी x है, तो 15 में से जब हम 35 लेस करेंगे तो माइनस 20, 25 में से 35 लेस करेंगे तो माइनस 10, 35 में से 35 गया ये आपका जीरो आएगा, 45 में से आप 35 लेस करिए तो माइनस, सॉरी पॉजिटिव 10 आएगा, पॉजिटिव 10 आएगा, माइनस नहीं पॉजिटिव 10। सेम 55 में से 35 लेस करेंगे तो आप 20 पॉजिटिव, 65 में से 35 लेस करेंगे तो पॉजिटिव 30 एंड 75 में से 35 लेस करेंगे आप तो पॉजिटिव 40 आएगा आपका। अब हमको क्या चाहिए, देखिए dx डैश चाहिए हमको, तो यहाँ dx डैश की कैलकुलेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला dx ऑब्लिक c और i, c इक्वल टू क्लास इंटरवल, i इक्वल टू भी क्लास इंटरवल होता है। तो क्या करेंगे, dx ये रहा और क्लास इंटरवल कितना हमारा, देखिए 10 का है तो माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, तो याद आएगा माइनस 2, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, जीरो करेंगे जीरो ही आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 1, 20 डिवाइड बाय 10 किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, क्लास इंटरवल, dx डैश निकालने के लिए क्लास इंटरवल से डिवाइड कर रहे हैं, क्लास इंटरवल कितना हमारा 10 का है, 30 डिवाइडेड बाय 10 ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, और 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 4, ये आ गया हमारा dx डैश। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए f dx डैश। तो देखिए अब
डीएक्स डैश ये रहा और फ्रीक्वेंसी ये रही। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ वर्कर्स, ये फ्रीक्वेंसी है हमारी, नंबर ऑफ वर्कर्स को यानी डीएक्स डैश को एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 10, 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 माइनस 3, ये 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये एक्स है तो ये एक्स ही आ जाएगा। 2 डिवाइडेड बाय 2 ये 4 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय सॉरी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 6 3 जा 18 और 13 3 जा 52, 52 ये हमारी इनकी कैलकुलेशन आई जब हमने डीएक्स डैश को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एफ से मल्टीप्लाई करा। अब हमको इसका टोटल चाहिए, तो सिग्मा एफ डी एक्स डैश इक्वल्स टू, तो देखिए पॉजिटिव नंबर्स जो हैं पहले तो उनको ऐड कर लीजिए। तो पॉजिटिव नंबर है हमारे पास 52 प्लस 18 प्लस 4, ये तो 74 पॉजिटिव है। इसमें से माइनस का 13 लेस कर दीजिए, माइनस 13, तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 61, मतलब सिग्मा एफ डी एक्स डैश का टोटल है 61। और ये प्लस एक्स, ये ओड नंबर है इसलिए अलग से प्लस होगा एक्स। अब सेम हमको इसका एफ का टोटल करना है, तो एफ का टोटल हमारा आएगा 33 प्लस एक्स। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ चुकी है। अब क्या करना है हमको, उसमें पुट करना है, और एक्स बार हमको कितना गिवन है क्वेश्चन में, हमको एक्स बार गिवन है 52, एक्स बार गिवन है, ये गिवन होगा तभी तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। तो हमको एक्स बार कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 52 गिवन है। फॉर्मूले में पुट करिए इसको, लाइन बना के इसको सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो एक्स बार हमको गिवन है 52 इक्वल्स टू, अज्यूम मीन हमारा कितना है 35 प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डैश, तो ये आ गया 61 प्लस एक्स इक्वल्स टू सिग्मा एफ कितना हमारा 33 प्लस एक्स इंटू आई, आई इक्वल्स टू क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल हमारे को कितना गिवन है यहां पर 10 गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 35 इधर आ जाएगा इक्वल्स टू के इधर, तो अभी प्लस का है इधर आके माइनस होगा, तो 52 माइनस 35 इक्वल्स टू, अब आप क्या करिए 61 प्लस एक्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब 61 प्लस एक्स यानी 61 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा आपका 610 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 33 प्लस एक्स, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। अब 52 में से हमको लेस करना है 35, तो 52 माइनस 35 इक्वल्स टू ये हमारा 17 आया, तो 17 इक्वल्स टू 610 प्लस 10x इक्वल्स टू 33 प्लस एक्स। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके नीचे 1 है इधर और ये 17 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन आगे ले लेते हैं, हम इसको यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं। 610 प्लस 10x मल्टीप्लाई होगा 1 से और 17 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ ले लेते हैं, ये आएगा 610 क्योंकि ये 610 प्लस 10x इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो 610 प्लस 10x इक्वल्स टू, अब ये जो 17 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 17 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 33 से, तो ये आएगा आपका 561, और ये 17x से भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 17x, ये हमारी कैलकुलेशन हुई। ठीक है, अब सेम जो फिगर्स हैं उनको एक जगह लेंगे, 610 अब ये प्लस का है इधर तो ये इधर आ जाएगा माइनस 561 इक्वल्स टू, ये 17x तो इधर ही है, अब ये 10x इधर चला जाएगा, देखिए प्लस का है तो ये आके इधर आके हो गया माइनस का, 10x हो गया। इसको सॉल्व करिए तो 610 माइनस 561 ये आएगा हमारा 49 इक्वल्स टू 17 में से 10x लेस करोगे 17x में से 10x तो ये रिमेनिंग रहेगा 7x, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 49 डिवाइड बाय 7, सो x इक्वल्स टू हमारा आंसर आया 7।
तो देखिए दोनों ही सिचुएशन के अंदर आपका आंसर सेम है। जब हमने डायरेक्ट मेथड से करा तब भी हमारा आंसर 7 आ रहा है, स्टेप डिविजन मेथड से करा तो भी हमारा 7 आंसर आ रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि जब हम 10th और 11th में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से अटेम्प्ट करते हैं, डायरेक्ट मेथड ये रहा, और जब कॉलेज लेवल पे जाते हैं तो हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी की जो कैलकुलेशन है वो हम स्टेप डिविजन मेथड से करते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।